मोहित सर, मेरा मीडियम हिंदी मीडियम रहेगा इंटरव्यू के लिए। हिंदी मीडियम? जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर माय नेम इज मोहित धामा, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बागपत, स्टेट उत्तर प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड माय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम गुरुकुल विद्यापीठ पब्लिक स्कूल खेगड़ा बागपत। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। माय इंटरेस्ट इज इन वॉचिंग डिफेंसिंग ऑफेंस, टेड टॉक एंड पंजाबी मूवीज। सर 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 एक्चुअली आई वुड स्विच ओवर वेन एवर आई विल फील अनकम्फर्टेबल इन इंग्लिश, सो इफ यू अलाउ सर। ओके सर, सो वी विल स्टार्ट विद सर इंग्लिश। ओके सर, एंड सर इफ यू विल अलाउ देन इन सम सेंटेंसेस आई कैन यूज हिंदी सर। सर माई डिस्ट्रिक्ट बागपत इज बेसिकली लोकेटेड इन वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड सर दिस डिस्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एज वेल एज पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सर इफ वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर, दिस वेरी डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्ड टू डिस्ट्रिक्ट मेरठ फ्रॉम वेयर 1857 रिवोल्ट वॉज एक्चुअली स्टार्टेड। एंड सर इन एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न सर, दिस एरिया बिलोंग्स टू दैट दोआब एरिया विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर। एंड सर इन पोलिटिकल टर्म्स सर, दिस एरिया इज वेरी पोलिटिकली एक्टिव इन केस ऑफ फार्मर। एंड सर आवर लेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी ऑल्सो बिलोंग टू माई डिस्ट्रिक्ट सर। एंड सर इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट ऑल्सो सर, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स विच आर मेकिंग इन नेशनल्स विच बेसिकली बिलोंग टू माई डिस्ट्रिक्ट सर। एंड सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ यूपी आर नेगेटिव अबाउट द बागपत सर, एज फार एज नेगेटिव इज कंसर्न सर, देर आर मेनली टू और थ्री पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू मैंशन। द फर्स्ट इज दैट सर द क्राइम रेट इज वेरी हाई, एंड सर सेकेंड इज दैट सर इन ए सिंगल ईयर वी कैन कम अक्रॉस अराउंड 2 to 3 फार्मर प्रोटेस्ट सर। सो सर दीज मेन टू पॉइंट्स आर नेगेटिव फॉर माई डिस्ट्रिक्ट सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम विजुअल प्रॉब्लम, सो आई मीन रिमूव। सर फॉर दैट एक्चुअली देर आर टू रूट्स, द फर्स्ट विल स्टार्ट विद मेरठ एंड इट विल गो टू बलिया वाया अलाहाबाद, एंड सर सेकेंड रूट विल एक्चुअली गो फ्रॉम दिल्ली टू बलिया सर। दीज टू रूट्स आर मेनली रेलवे रूट सर। सर एक्चुअली सर आई डोंट नो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन सर एग्जैक्टली। ओके, टेल मी सम मेजर सोशल इश्यूज ऑफ द उत्तर प्रदेश। सर देयर आर मेनी मेनली 3 to 4 पॉइंट्स व्हिच अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन सर। फर्स्ट इज कास्टिज्म प्रॉब्लम इज देयर सर, एंड सर सेकंड इज द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन उत्तर प्रदेश इज वेरी यू नो वेरी इन बैड सिचुएशन सर। एंड सर अगेन वन मोर सोशल प्रॉब्लम इज ऑफ कम्युनलिज्म सर। सर दीज आर थ्री मेन प्रॉब्लम ऑफ उत्तर प्रदेश सोसाइटी सर। एंड सम ऑफ द मेजर सोशल प्रोग्राम व्हिच वर लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। सॉरी सर, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज रिलेटेड टू सोशल सर, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन शक्ति फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स इन ईच एंड एवरी डायमेंशन, स्पेशली इन सिक्योरिटी सर। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वन मोर
स्कीम विच इज सर सुकन्या सॉरी सर उसका सर एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है बट सामूहिक विवाह योजना करके साथ कोई स्कीम है सर वुमेन की शादी के लिए। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट सर सोशल स्कीम रिलेटेड टू फार्मर्स आर ऑल्सो देयर फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड सर फॉर द माइनॉरिटी ऑल्सो देयर आर सम स्कीम्स आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दोज स्कीम सर। You have opted CISF your first choice and CRPF your last choice. So tell me about CRPF. Sir, Central Reserve Police Force, actually it was basically established in 1939. It was like a Crown representative police at that time. And its main purpose was during that time to help state, mainly princely state, in case of any law and order problem. And sir, it was retained after independence. And at present, sir, its role is mainly belong to in helping state government in maintaining law and order issues and carry out in operations in a Naxalite area and as well as sir in riot related law and problem also sir. What is Ramsar sites? Sir, Jamsar? Ramsar. Sir, Ramsar site are actually these wetland site are these Ramsar site which is actually sir Ramsar site recently around 10 more site have been added to the list of Ramsar site. Ramsar is basically a city situated in Iran, sir. So the name is Ramsar, sir. And naming five sites which have been added to the Ramsar sites recently from UP. Sir, no idea, sir. Exactly, naam nahi. फिजिक्स ऑनर्स हैं yes. बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपने किया है। आपकी हॉबी क्या है? पंजाबी मूवीज yes, sir. देखते हैं yes, sir. अच्छी लगती हैं yes, sir. पक्का yes, sir. अच्छा पहली पंजाबी मूवी कौन थी जो बनाई गई थी बोलती हूँ नहीं सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फर्स्ट वजह पहली जो मूवी है मुझे याद नहीं है पंजाबी पंजाबी मूवी आपको फिल्म पसंद है हर कोई जानता है उसके बारे में आप कह रहे हैं आप नहीं जानते सॉरी सर ये मूवी तो लगभग हर कोई कम से कम नाम तो जानता ही होगा प्रेम प्रसंग पर थी अब बताइए एक बहुत अच्छी लव स्टोरी थी दुखद सर हीर रांझा एम आई राइट सर सर एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ यूट्यूब चैनल विच मीन्स एनी ऑफेंसिव विच वी कैरी आउट सो एज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ सो एज टू डिफेंड आवर सेल्फ सर एंड सर फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल आई अंडरस्टैंड वेरियस जियो पोलिटिकल एज वेल एज जियो इकोनॉमिकल इशू अराउंड द वर्ल्ड एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज एंड अदर प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी सर एक्चुअली दिस वर्ड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्री एम्प्टिव काइंड ऑफ स्ट्राइक सर ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं सर नो सर एक्चुअली सर ये एक व्यंग्यात्मक टर्म है तो सर हम आई डोंट थिंक दैट इट शुड बी यूज्ड सर सर एक्चुअली आई मिसअंडरस्टूड योर क्वेश्चन सर बेसिकली सर हाँ सर हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हमने जैसे किया था बालाकोट के केस में सर हम कर सकते हैं सर और आगे भी सर करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ सर जैसे नवासी के दौर में कुछ तालिबानी आतंकवादी अफगानिस्तान से यस सर
नजर आ रहे थे कश्मीर में, जो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट किए, कुछ ही थे लेकिन वो दिखने लगे थे कश्मीर में। यस, तो ये होना चाहिए ना कि अफगानिस्तान में अगर हमको पता है कि तालिबान के कुछ लोग इधर आ रहे हैं तो हम तालिबान के ग्रुप पर अटैक करें, तो अटैक करना चाहिए सर। एज ऑफ नाउ आई वुड आई डोंट थिंक दैट सर वी शुड कैरी आउट दोज स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन सम पॉइंट फॉर दैट सर। सर बेसिकली पहला पॉइंट ये कि वी हैव ऑलरेडी मेंटेन्ड वेरी गुडविल एज फार एज देयर कॉमन सिटीजन्स इज कंसर्न, और अगर सर हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं ना तो उनका एक वो जो गुडविल वाली फीलिंग है उसमें वो हमें भी उसी नज़रिए से देखेंगे जैसा कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं सर। और सर सेकेंड ये है कि हम स्ट्राइक्स ना करके हम ट्रेडिशनली अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनको ट्रेनिंग या फिर हार्डवेयर या फिर मिलिट्री हार्डवेयर जो है हम उनको देते आ रहे हैं, तो अगर हम उनको ही स्ट्रेंथन कर दें और एट द सेम टाइम अगर हम अपनी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या जो ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन कर दें तो इस प्रॉब्लम को हम वहीं पे भी सोल्व कर सकते हैं सर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप डिफेंसिव ऑफेंसिव देखते हैं तो आपको जियोपॉलिटिकल की बहुत अच्छी नॉलेज है। यस, अफगानिस्तान में अभी शांति का दौर चल रहा है, तालिबान अटैक भी ज़्यादा कर रहा है सर, तालिबान की एक सब जो जुड़ी हुई है गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान से बात करने के लिए वो ये है कि सबसे पहले अपनी आर्मी आप भंग करो, ठीक, इसमें इस शर्त में जो वहाँ के जो एथनिटी प्रॉब्लम है, जो निर्जाति समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। yes. ऐसा क्यों है कि तालिबान इसको भंग करना चाहे? सर तालिबान की अगर हम जहाँ तक बात करें तो वो हिस्टोरिकली सर वो वुमेन राइट या फिर जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, सर एथनिसिटी सर सर एथनिसिटी की सोसाइटी जो है ना अफगानिस्तान की वो काफ़ी डाइवर्स है सर। वो सर ये तालिबान ही क्या है कि ये हमेशा से ही सारी जितनी भी एथनिसिटी है उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं और यही अपने आप को ओरिजिनल अफगानिस्तानी मानते भी हैं सर ऐसा। तो सर दिक्कतें इंटर जो एथनिसिटी है वो सर अभी भी मेंटेन रहेगी, और जहाँ तक सर उज़्बेक्स भी हैं इधर, थोड़ा कजाक्स भी हैं कुछ, सर तुर्क्स भी हैं नॉर्दर्न पार्ट की अगर हम बात करें अफगानिस्तान की। सर मेन तो यही है कि सर पठान है सर एक तो ये, हाँ सर उसके अलावा एथनिसिटी में उज़्बेक हैं और कजाक है सर, तुर्क्स भी हैं कुछ सर, मेन तो यही है सर। वहाँ पे एकमात्र एक सिया निर्जाति ही है, सिया एथनिसिटी है, बाकी सारे सुन्नी हैं, एक सिया है। कौन से? सॉरी सर आई डोंट नो, कई निर्जातियाँ हैं उसमें एक ही है, और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है इतने नॉर्दर्न अफगानिस्तान पर। सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, फिजिक्स रनर सेफ हैं ये सर, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? सर अभी इनका मेरे नाम याद नहीं, सॉरी सर, ना सर, सर ये दिया गया है कि बिग बैंग थ्योरी जो है सर उससे रिलेटेड है कुछ है सर, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स सर। इतिहास में फिजिक्स नहीं जानता हूँ, मुझे बहुत आसान समझना सर। ऐसा है कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से कुछ कि इनिशियली एक पार्टिकल था सर, वो एक्सपेंड करते करते सर वो पूरा यूनिवर्स उसने क्रिएट कर दिया सर, तो सर उसी से रिलेटेड जो है कि नोबेल पुरस्कार अभी मिला है। सर इनिशियली इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर सर डेंसिटी चेंज होने की वजह से ये नए नए पार्टिकल बनते गए और पूरा यूनिवर्स सर इसी तरीके से करके बनता गया सर। ब्लैक होल की खोज की गई, तो ब्लैक होल से उन्होंने कुछ चीज़ें क्रॉस कराई थी या कुछ हुआ था ऐसा, कुछ रेज क्रॉस की गई, क्या हुआ था सर? एग्जैक्टली सॉरी एग्जैक्टली नहीं पता सर मुझे, थोड़ा नहीं सर। ब्लैक होल पर ही शायद कहीं अवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा मिला। अच्छा ठीक है, सपोज दैट आपकी पोस्टिंग हो रही है कश्मीर में, सीआरपीएफ कमांडेंट कमांडेंट सर, और आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप जा रहे हैं कहीं पे, एक टेररिस्ट ग्रुप है वो कहीं पे दो चार मतलब आतंकवादी हैं, वो एक घर में छुपे पड़े हैं,
और उस गांव के ही निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं। आप जब अपनी फोर्स लेकर जाते हैं तो वहाँ पे हल्का पथराव होता है और पथराव के आड़ में वो भाग सकते हैं। अब क्या डिसीजन है सर? पहला मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि मैं अपना जो सीनियर ऑफिसर वहाँ पे होगा या फिर नहीं भी है तो सब कुछ आप ही है, आप ही कमांडिंग ऑफिसर। ओके सर, पहले तो क्या है कि मैं उनको वार्निंग दूंगा कि पत्थरबाजी ना की जाए। सर अगर इनके वो नहीं मानते हैं ना तो सर मतलब मैं पूरे एरिया को क्या है कि सर कवर अप कर सकता हूँ। अगर मेरे पास सफिशेंट फोर्स है तो सर भागने वाली जो सिचुएशन है वहाँ पे उसको मैं टैकल ऐसे कर सकता हूँ। तो सर मैं पहले क्या है कि भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए सर मैं टीयर गैस वगैरह का यूज कर सकता हूँ या फिर वाटर कैनन वगैरह जो भी पत्थर मार रहे हैं ना आप पर पत्थर मारे कोई और आप मतलब उसे टीयर गैस छोड़ रहे हैं और लाठी चार्ज तो सीधा मार रहे हैं आपके सर पर, गोली मारी आपके पास बंदूक है नहीं सर। वो मेन बात ये हमारे कि हम एक्सट्रीम केस में भी जाके सर ह्यूमन राइट को मतलब प्रायोरिटी देते हैं तो सर मैं गोली तो मारूंगा नहीं सर। सर अगर मैं हो सकता है मेरी गोली चलाने से सिचुएशन और ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए और सर जो पकड़ने वाली सिचुएशन है फिर भी वो सर मेरे गोली चलाने से मतलब 5 या 6 लोग ऐसे हो सकते हैं जो मर जाएंगे उधर, फिर सर ओवरऑल जो बाकी जगह है वहाँ पे भी रो एंड ऑर्डर की दिक्कत बन सकती है। सर अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि अगर वो हमारी वार्निंग को नहीं सीरियसली ले रहे हैं तो अगर शूट करने की बात आती है तो पहले मैं उनके पैरों में शूट करूंगा या सॉरी उससे पहले क्या कि सर मैं हवाई फायर देने की कोशिश करूंगा ताकि वो मतलब एज ए डिटरेंट के तौर पे काम करे और वो लोग मान जाए। अगर नहीं मानते हैं तो भी सर मैं पैलेट गन वहाँ पे अभी फिलहाल में यूज़ देते उसका यूज हम करके उनको डिस्पर्स कर सकते हैं सर। सर एग्जैक्ट नहीं पता बट गैस लूँ थोड़ा इसके लिए। सर आर्म्स ग्रुप सर हो सकता है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आर्म्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट सर ये हो सकता है। अभी कल परसों और आज न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा ही होगा सर, अभी डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई है कहाँ? सर तमिलनाडु के डिफेंस पार्क सर। सर डिफेंस पार्क की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता है मुझे सर। सर ये तमिलनाडु के अंदर शायद है सर, एग्जैक्ट लोकेशन सर अभी नहीं पता है। नक्सलवाद जानते हैं सर, इसका ओरिजिन क्यों हुआ? सर इसके ओरिजिन के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं सर, जिसमें से पहला फैक्टर तो ये कि सर जो आज़ादी के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह किए थे वो पूरी तरीके से सफल ना हो पाई सर। वो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज थी सर वो भी उन एरियाज़ में नहीं जा पाई जहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा होने के बावजूद भी डेवलपमेंट होना चाहिए था मतलब। तो सर मेन दो रीज़न तो यही है, बाकी सर एक मेन रीज़न सर यही है, दो रीज़न सर एमरजेंस के पीछे सर। सर वेस्ट बंगाल और केरला दो मॉडल स्टेट माने जाते हैं जिन्होंने सबसे बेहतर लैंड रिफॉर्म्स किया। यस, यूपी ने नहीं किया, बिहार ने नहीं किया, लेकिन शुरुआत बंगाल से हुई थी जिसने बेहतर लैंड रिफॉर्म्स किया। सर कंपेरेटिवली बेटर रहा उधर, लेकिन फिर भी ओवरऑल नहीं रहा। एक छोटा सा इंसिडेंट वहाँ पे होता है, उसके बाद में जो और एरियाज थे जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी और सर ट्राइबल एरियाज तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, लेकिन नक्सलवाद राजस्थान में नहीं फैला। सर इसमें यही रहा है कि मतलब फैला है लेकिन इतना नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर सदर्न साउथ ईस्टर्न जो एरियाज हैं वहाँ पे थोड़ा था लेकिन अभी वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया है। बाकी सर जो वहाँ पे इसलिए मतलब चीज़ें कंट्रोल में आ गई क्योंकि लो एंड ऑर्डर और जो वहाँ की स्टेट पुलिस है उसने सही से टाइमली एक्शन लिया, लेकिन जो जहाँ पे फिलहाल में है जैसे कि दंडकारण्य जो एरिया है वहाँ पे सर मेन दिक्कत है जैसे कि ट्राइबल एरिया ज़्यादा हो गया, हिली एरिया ज़्यादा है, फिर ट्राई जंक्शन थ्योरी भी यहाँ पे एक्शन में आती है कि तीन राज्य हैं। तो हमारे उत्तराखंड में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं बहुत ज़्यादा ट्राइबल, वहाँ पे तो टोटली ट्राइबल एरिया। सर वहाँ की प्रॉब्लम्स दूसरी है लेकिन नक्सलवाद की सर बेसिकली सर नक्सलवाद की मतलब जो है ना वो यहीं पे ही ज़्यादा है इन्हीं एरियाज के अंदर। क्यों सर इसके ट्राइबल बोल रहे हैं तो ट्राइबल तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा है।
सर वो क्या है कि ट्राइबल एरियाज उनकी अवेयरनेस और वो जो मेन स्ट्रीम से ज़्यादा कटे हुए हैं और वो पढ़े लिखे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इसलिए वो सर इस प्रॉब्लम का सॉफ्ट टारगेट है। मिजोरम तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सर, तो फिर वो सॉफ्ट टारगेट क्यों नहीं हो रहा? वो ज़्यादा पढ़े लिखे सर, वो जानते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है, वो हथियार उठा करके एक सेपरेटिज्म या फिर ऐसी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा तरीका नहीं है जो एक्सट्रीम पे जाके होगा। इसलिए सर मिजोरम के अंदर जो इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो टाइमली सर सोल्व भी हो गई। लेकिन सर इन एरियाज में मेन दिक्कत ये है कि जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट है लो एंड ऑर्डर के नज़रिए से भी, और प्लस सॉफ्ट टारगेट वहाँ पे हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन भी। सॉरी सर, अभी आप फोर्स में जाना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कितने लोग ऐसे हैं, कितने सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है? सर एक तो जोगिंदर सिंह यादव हैं सर, यूपी से हैं वो सर। सर मेरे एक ही याद है सर एग्जैक्ट अभी, तो बाकी सर नो रिमेम्बर सर। नो सर। थैंक यू सर।